वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं उठ गई हूँ और चाय रखी हुई है मम्मी ने। मम्मी भी उठ गई आज जल्दी, मतलब मैं लेट उठी आज थोड़ी देर। बाकी डेली की तरह हमने यहाँ पे आग भी जला दी है और बाकी बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। मैंने स्टॉल पता आज क्यों डाला है, मेरे जहाँ पे चोट लगी थी ना, तो वहाँ पे ना आजकल 2-3 दिन से जब जैसे जैसे ठंडा बढ़ता जा रहा है मेरा दर्द होने लग रहा है, तो मैंने इससे बाधा हुआ था अभी नीचे किया है। और बाकी मेरा पानी भी गर्म हो गया नीचे, तो पहले मैं फटाफट नहा लेती हूँ और फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाती थी। उसके बाद देखते हैं नाश्ता क्या बनाएंगे। अभी तो कुछ नहीं सोचा, सोच सकता है पराठे बनाए, तो पहले फटाफट फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं। देखो अनुज मम्मी सब उठ गए मेरे से भी पहले आज। मेरा चार्जर भी खो गया, मुझे चार्जर ही नहीं मिल रहा है, ढूंढना पड़ेगा। तो चलो फटाफट पहले नहा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनाएंगे। ठीक है। सो गाइज, अभी हम लोगों का नाश्ता भी हो गया है और अभी मैं बाल बना के निकलूंगी। बाकी अनुज गया ऊपर छत में बिस्तरा वगैरह रखने के लिए, तो मेरे बाल भी सूख गए हैं वैसे। अभी तब से मैं धूप में आई थी नाश्ता करके, तो अभी जाएंगे बाल बाद वहीं पे बनाऊंगी। ये यहाँ पे मैंने दवाई लगी है ना, उसकी वजह से देखो यहाँ से चिपचिपा हो गए हैं बाल, चिपचिपे एकदम चिपचिपे बाल, कंघी नहीं लग रही है इस साइड। तभी मेरे को आजकल ट्विस्ट बनाना पड़ रहा है, ऐसे फिर नीचे से बना रही हूँ। सो गाइज, मैंने बाल क्लैश कर दिए हैं और अभी सीधा निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। चलो फटाफट जूते पहनते हैं फिर निकलते हैं। ये देखो धूप भी आ रही है अच्छी लगी। गोलू रो रहा है आज, गोलू यहाँ पे, गोलू गोलू। ये देखो गाइस गोलू रो रहा है। करते हैं अपनी एंट्री वगैरह का काम। बाकी धूप भी बहुत अच्छी आई है, थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी बाल सुखाने के लिए। वैसे लगभग लगभग सूख गए हैं। और देखो 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 मेरा सामान। तो फटाफट अपनी एंट्री वगैरह कंप्लीट करते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल से आ गई थी और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने छत में रखे हैं सैंडल वगैरह। तो अभी मैं आपको अपने हमारे सैंडल कलेक्शन दिखाऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं हैंडपम्प पे कपड़े धोने के लिए, तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं। सो गाइज, मैं सैंडल्स को नीचे ला गई हूँ क्योंकि ऊपर वाले छत में धूप चली गई है। तो अभी यहाँ पर उनको फैलाते हैं, मैं भी बैठने का बनाती हूँ यहाँ पे, और फिर एक एक करके आपको दिखाऊंगी, फिर पहन के भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे लग रहे हैं मेरे पे। ठीक है। गाइस देखो, सबसे पहले ये वाले सैंडल हैं, जूते टाइप के। एक बार मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ये वाले। ये बहुत अच्छे हैं, सिर्फ शादी के लायक है, वैसे डेली यूज़ के बिल्कुल भी नहीं है, पहने भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने कब से, सिर्फ जब से मैं लाई हूँ उनको, बस 2 बार पहना होगा। एक बार दिखाती हूँ आपको बैग में, बताना मुझे कमेंट करके कि कैसे लग रहे। ठीक है। आपको ये देखो, कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। उसके बाद दूसरे जोड़े ये वाले हैं जो कि मेरे नहीं है, रेनू के हैं, मैं इनको पहन। ये देखो, ये मेरे पे आ भी नहीं रहे हैं, मेरे पैर काफ़ी बड़े हैं उसके पैरों से। ये देखो, चलो ये 2 पहन लिए। उसके बाद बारी आती है इनकी, बैक करके दिखाती हूँ, ऐसे अच्छे से दिख रहे हैं ना। ये भी रेनू के ही हैं, ये भी मेरे पे नहीं आएंगे शायद, नहीं आ तो गए।
आप मुझे फिर कमेंट करके बताना कि इतने सारे में से आपको कौन सा अच्छा लगा। ये मैं सिर्फ वो दिखा रही हूँ जो मैंने हम लोगों ने संभाल के रखे हैं, बाकी जो स्टैंड में है वो तो अलग है, वो वाले तो क्या ही दिखाने। ये देखो जा ही नहीं रहे ये तो मेरे पैरों पे, क्योंकि मेरे पैर बहुत बड़े हैं, उसके छोटे हैं काफ़ी। उसके बाद ये वाले, ये तो मम्मी मैं कोई भी पहन लेता है, इसका कोई वो नहीं है वैसे इतना। ये देखो पहन के दिखाती हूँ। ये आ गए हमारे चौथी जोड़ी जो मेरे पे एकदम फिट आ रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, बट ये मेरे को थोड़े औरतों वाले लगते हैं। तो ये देखो उसके बाद ये हैं हील्स वाले, ये तो यहाँ क्या ही पहनेंगे हम लोग, ये हमारे कॉलेज टाइम के हैं। ये वाले भी और ये वाले अभी तक टूटे नहीं हैं, कुछ भी नहीं हुआ इनको। देखो पहन के दिखाती हूँ, ये ही अच्छे लगते हैं मुझे, बट इनमें काफ़ी ज़्यादा हील्स है तो यहाँ पे पहनने का इनका कुछ है नहीं। ये देखो गाइज ये वाले सबसे अच्छे लग रहे हैं, कंफर्टेबल है वैसे तो, मतलब हील्स हो गई इनमें बस, बाकी यहाँ पे क्योंकि इनका यूज़ नहीं हो पाता है इतना। ये देखो यही सबसे अच्छे लग रहे हैं, सबसे नए भी यही लग रहे हैं। तो ये पांच जोड़ी मैंने पहन दिए हैं, बताना मुझे इनमें से सबसे अच्छे कौन से लग रहे हैं। फिर ये वाले हैं, ये सबसे पक्के हैं, मतलब ये बहुत महंगे भी हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के चप्पल हैं। बहुत टाइम हो गया, 2018 से है मेरे पास शायद ही। ये भी वैसे ये भी तब से ही हैं, ये अपनी फ्रेशर पे फेयरवेल पे सब पे यही पहने थे मैंने। ये देखो इनमें भी अच्छे लग रहे हैं पैर, ये मेरा पैर जला था ना बीच में, ऐसा हो रहा है। चलो इनको भी उतार देती हूँ। उसके बाद आते हैं मेरे ये वाले जूते, ये देखो कितने मोटे हैं ये, ये भी मेरे फर्स्ट ईयर के हैं कॉलेज टाइम के, ये भी नहीं पहने तब से, कहीं जाना हो ही नहीं पाता है तो नहीं पहन पाते हम लोग। यहाँ पे लगाने के बाद नहीं का है, अभी तो क्या ही बांधूंगी, बट देखो अच्छे लग रहे हैं ये भी यार, वाह यहाँ कहाँ पहनूँ मैं इतने मोटे। एक तो वाइट भी हैं, गंदे भी हो जाएंगे, काफ़ी हैवी भी हैं ये देखो। चलो इनको भी उतारते हैं, देखो इतने जोड़े हो गए हैं यहाँ, बाकी उधर पापा के और मम्मी के हैं एक एक जोड़े। और ये वाले तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, बीच में जब कॉलेज गई थी पेपर देने तब पहने थे मैंने ये वाले। ये देखो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इनको भी एक साल हो गया वैसे। और बाकी ये और ये दोनों रेनू के हैं, मेरे पे आएंगे भी नहीं तो पहन के कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आपको हमारा फुटवेयर कलेक्शन बहुत पसंद आया होगा, अभी तो इतने ही हैं हमारे पास, ज़्यादा बाकी 3-4 जोड़ी हैं जो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, वो उसमें रखे हैं स्टैंड में। मतलब वो तो डेली यूज वाले हैं, बाकी शायद अंदर संभाले भी होंगे, मेरे को याद नहीं है ज़्यादा, इतनों में तो इतना याद भी नहीं है, कुछ कुछ टूट भी गए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन से अच्छे लगे, ठीक है मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो अभी मैंने संभाल दिए हैं, अब थोड़ा मुँह हाथ धो लेते हैं, जूतों के हाथ हैं, हाथ धो के फिर आग जलेंगे, फिर अपना काम करेंगे। मम्मी धो रही है यहाँ पे मुँह हाथ, मेरी मम्मी। और एक जोड़ी ये भी हैं, बट ये डेली यूज वाले हैं, ये कल धोए थे मैंने, ये देखो।
फ्लाइट के हैं। तो अभी मुँह हाथ भी धो लिए हैं हम दोनों ने, अब जाएंगे ऊपर आग जलाएंगे। हाँ मम्मी चला रहे, यहाँ की लाइट बंद कर देना है ये वाली। चलो गाइस छत में या ऊपर आग जलाई होगी तो आग सेकेंगे। पापा का कप, ये देखो अभी धोए कपड़े, रेनू ने सुखा भी दिए, मैं तो नीचे चले गई थी, अब अभी ड्राई किए हैं शायद मम्मी ने। हाँ ड्राई भी कर दिए तो सूखी जाएंगे, रात भर हवा से नहीं भी सूखेंगे तो कल सुबह सूख जाएंगे। अभी आजकल इस टाइम पे कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो गया है, कितना ठंडा हो जा रहा है। और अभी तो पता नहीं कितने बज रहे, ऊपर वाली छत में भी चले गई है धूप। एक बार वहाँ पे ग्राउंड मार के आती हूँ, कितनी धूप आ रही है करके। कैसे देगा, यहाँ से दे 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 दे, तू गिर जाएगा यहाँ से। आ रही ला दे दे, कैसे आएगा, कैसे आएगा तू, है वेदू। हाँ वहाँ से आ जा, आ जा आ जा, आ रहे हो आ रहे देखो। आप कैसे आएगा आगे, आप कैसे आएगा, इससे आगे कैसे आएगा। आगे हमें नमस्कार, लिम्बू कद बोले रे, हम खाना नहीं, हम कामा खानो होई पूजा को, तू खाने रहे हो बहुत। गुल्लू आजा, तू आगे इससे आया ही नहीं, मस तू लिखा इकला छोड़ ही दे। अरे अरे लोटियाल बबिया, इधर के बाल लगा दे इधर। अरे तो अंदर जा, ठंडा हो गया ठंडा। अब बाय कर दे, बाय शिमी बाय। मेरा नाम क्या है, शिमी बोल, बोला नहीं छना जी, क्लियर बाय, अंदर चले जा अंदर। ये देख पूजा, अम्मा ने तेरे को याद करते हुए तेरे लिए नींबू दिए हैं यहाँ भोनकाल में, मतलब लगभग लगभग सभी को पता है कि तेरे को नींबू पसंद है पूजा को। कहाँ जा रहा है तू इस टाइम, इसको देखो कहाँ कहाँ कूद रहा अनुज, भाग गया नीचे। नींबू दिए हैं अम्मा ने अब संडे में, रुक जा मैं तेरे को दिखाती हूँ अभी बैग में। तो संडे को बनाएंगे दही में, छाछ तो खत्म हो गई आई थी बीच में, अब हमको दही में बनाने पड़ेंगे। चलो अम्मा थैंक यू सो मच। तो अभी अंदर चलते हैं, आटा गूंदेंगे, आग भी जला दी रेनू ने। चलो बहुत ठंडा हो रहा बाहर। गाइस अभी मम्मी यहाँ पे बना रही है हलवा, ये देखो अभी भून रही हूँ। मडवे का हलवा है जो कि आजकल ठंडियों में गर्म होता है, तो इसलिए पापा का मन हो रहा है खाने का, तो बना रही है मम्मी, अभी दिखाऊंगी मैं। ये देखो अभी तो भून रही हूँ, सूजी जैसा भूनना पड़ता है ना। अच्छा सूजी आजकल ठंडी होती है। तो अभी हम सूजी बन जाएगी तो फिर खाना खाएंगे, बाकी अपना काम वाम करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरा कलेक्शन भी पसंद आया होगा हमारा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, अपने दोस्तों में फैला देना। बाकी जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।